हे गाइस, वेलकम बैक एंड फ्रेश एपिसोड। आज के वीडियो में हम कुछ नॉलेज शेयर करने वाले हैं। यहाँ पे हर बार हर आदमी के में हमेशा डाउट रह जाए कि अगर आपका पर्सन जो चाहता है कंप्यूटर लेना, उसके अंदर हमेशा ये डाउट रहता है कि कौन सा मुझे लेना चाहिए, या फिर लैपटॉप ले या फिर डेस्कटॉप ले, या फिर AMD का प्रोसेसर ले या फिर इंटेल का प्रोसेसर ले। तो ये सारी चीज बहुत कंफ्यूजन रहते हैं यहाँ पे, लैपटॉप लेना है, कंप्यूटर लेना है, कौन सा लेना है, उसके अंदर कौन सी जनरेशन होनी चाहिए, क्या मेमोरी होनी चाहिए, क्या रैम होनी चाहिए, CPU के अंदर प्रोसेसर क्या काम करता है, यहाँ पे रैम क्या काम करती है, यहाँ पे उसकी हार्ड डिस्क क्या काम करती है, पावर सप्लाई किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, पूरी बात करेंगे हम इस वीडियो पे। आज का वीडियो कुछ खास इंटरेस्टिंग होने वाला है, नॉलेज शेयर होने वाली है यहाँ पे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो मेरा नाम है संतोष सिंह, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे पहले बात करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे तो डेल का लैपटॉप लो, HP का लैपटॉप लो, तो कौन सा अच्छा करो भैया? डेल का, या फिर बंदा बोले भाई HP का अच्छा फास्ट चलता है, यहाँ पे मेरे पास तो HP का लैपटॉप है, यहाँ पे फास्ट चलता है। तो देखो यार, मैं पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ये डेल का लो या फिर HP का लो, इससे कुछ मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आपकी डेल या फिर HP ये देख के मैटर नहीं करता, आपका प्रोसेसर देख के मैटर करता है। कई बार क्या होता है, कंपनी के नाम पे हमें ज्यादा ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, पर ये सब कुछ नहीं है। कंपनी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मेरा डेल का ले, ये डेल का मेरा यहाँ पे LCD है, और मेरा मदरबोर्ड कैबिनेट अगर आप बात करो तो यहाँ पे कैबिनेट जो है यहाँ पे आईबॉल की, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी करके असेंबल भी कर सकते हो, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एकदम आपका अंदर के प्रोसेसर मैटर करता है। और अगर बात करें हम यहाँ पे कौन सा प्रोसेसर लेने की, प्रोसेसर में आपको दो प्रोसेसर देखने मिलेंगे यहाँ पे, आप इंटेल का लोगे या फिर AMD का लोगे। अभी भैया क्या होता है, अभी ये जो दो बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि अपने प्रोसेसर चिपसेट बनाती है, प्रोसेसर एक काम करता है जो कि आपके स्पीड या फिर सब प्रोसेसर पे डिपेंड होता है। तो प्रोसेसर पे AMD या फिर इंटेल, देखो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आपका बजट, जैसे कि आपके बजट के ऊपर है, AMD बहुत पुराना प्रोसेसर है और ये काफी कॉस्टली आता है कंपेयर टू AMD के प्रोसेसर के। और AMD जो है आज से मतलब दो तीन साल, हो गए कुछ, तो AMD भी आजकल मार्केट में बहुत जमा हुआ है। अगर इन शॉर्ट बात करो तो AMD जो प्रोसेसर है वो MI के फोन जैसा है, सस्ते में अच्छा। अगर यही अगर 20,000 का मुझे PC लेना है, मुझे या फिर 20,000 का कोई का लैपटॉप लेना है, तो मुझे अगर लैपटॉप लेना है, PC लेना है, तो मैं 20,000 के अगर नीचे जो बजट रहेगी वहाँ पे आपको AMD का ज़्यादा अच्छा गिरेगा, क्योंकि AMD में कैसा है कि अगर आपको कम बजट में तो भी अच्छा मिलता है। वही अगर कंपेयर बात करें अगर इंटेल की, तो इंटेल में आपको वही जो 20,000 में आपको AMD दे रहा है, वही चीज़ आपको इंटेल आपको दुगने पर, मतलब 1.5 प्राइस में, मतलब 1.5 गुने प्राइस में आपको ज्यादा मिलता है। यहाँ पे 20,000 तो यहाँ पे 27,000 आपको इंटेल ले जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको लैपटॉप लेना चाहिए डेस्कटॉप लेना चाहिए, तो देखो भैया मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आप एक ऑफिस या फिर आप एक घर पे एनिमेशन टाइप या फिर फिल्म या फिर मतलब घर पे यूज करते हो, तो आपके लिए डेस्कटॉप सबसे ही बेस्ट रहेगा, मतलब सबसे अच्छा डेस्कटॉप रहेगा। अगर आप होम यूजर हो तो मतलब आपको घर पे ही करना है, यहाँ पे सब कुछ बाहर लेके जाने की जरूरत है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको यहाँ पे कॉलेज में असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स आपको दिखाने पड़ते, तो आपके लिए फिर लैपटॉप ठीक है। वो तो चॉइस आपके ऊपर, आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है, तो उसमें कोई नहीं है। अभी बात करूँ मैं यहाँ पे GPU क्या होता है, GPU बेसिकली स्टैंड फॉर ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो ये भैया क्या होता है, ये क्या होता है कि अगर हम कोई बड़े एनिमेशन वाले गेम हुए या फिर हमको कुछ एडिटिंग करना है एनिमेशन टाइप, तो क्या होता है ना, सिस्टम का जो प्रोसीजर होता है ना, तो प्रोसीजर क्या है, उसको ग्राफिक की जरूरत होती है, क्योंकि ग्राफिक क्या काम कर रहे हैं, एनिमेशन सब ग्राफिक के अंदर आ गए, तो उसके लिए अलग से ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है जो कि वो ग्राफिक को हेल्प करेगा कि उसमें एप्लीकेशन में रन हो करके। तो उसमें कैसा होता है कि अगर आप ग्राफिक कार्ड डाल रहे हो तो वो जो सिस्टम है वो समझ पाएगा कि क्या ग्राफिक करना है। अगर कोई ग्राफिक का मतलब थर्ड पार्टी आप 3D में इमेज बनाना चाहते हो, तो वो ग्राफिक जो है उससे वो ग्राफिक से स्मूथली आपके PC में रन होगा, अदरवाइज वो ग्राफिक अगर हाई लेवल का होगा तो दिस इज नॉट कैपेबल फॉर देम। तो आपको एक ग्राफिक कार्ड की डालने की जरूरत होती है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो रैम क्या काम करता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कि अगर आपकी मेन मेमोरी जो रैम मेरे पास पड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं आपको रैम फिजिकली दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे रैम, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का कुछ रैम दिखेगा आपको। अब ये क्या होता है, ये रैम होता है जो कि मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर का, इसके थ्रू ही सब ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे कि इसके अंदर स्टोर करेंगे तो हमारे जो एक्सेस टाइम है वो फटक से फास्ट हो जाती है कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। अगर ये रैम की बात करें तो ये रैम अगर जितना आप ज़्यादा डालोगे इन शॉर्ट बात करें तो उतना अच्छा आपका कंप्यूटर चलेगा, क्योंकि ये मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी में जितना आप ज़्यादा बड़ा होगा मेन मेमोरी, तो उतना एक्सेस टाइम आपका कम हो जाएगा, उसमें फटाफट एक्सेस हो जाएगा कोई भी चीज़। और इसमें भी जनरेशन आने लग गया, अभी DDR2 DDR3 DDR4 DDR2 तो बहुत पुराना जनरेशन Pentium 4 टाइप के आने लग गए, और अभी DDR3 जो कोर टाइप के आने लग गए, तो i3 के ऊपर से जनरेशन से 6 जनरेशन से वहाँ पे DDR4 के रैम आने लग गए। तो जितने मतलब DDR जितने भी होंगे, जितने मतलब DDR3 के जो होंगे, मतलब वो पुराने मॉडल में, और DDR4 की बात करूँ तो DDR4 में इसके टाइनिस्टर जो आप सीख सकते हो, यहाँ से
टाइनिंग से छोटे छोटे हो गया, इसको फटाफट एक्सेस टाइम ज्यादा मिल जाता है, मतलब फटाक से एक्सेस कर लेता कोई भी चीज को, तो उसकी जो जो कंपाइलिंग टाइम है वो ज्यादा स्पीड हो जाती है एज कम्पेयर टू डीडीआर 3। जितने डीडीआर बढ़े गए उतने ही हमारे लच्चे हो गए। अब उसकी बात करो प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में भी i3 i5 i7 ये सब चीज आ गए, मतलब ये सब भी बहुत ज्यादा आ गए। तो i3 i5 i7 बेसिकली जो जितने i सीरीज के ऊपर हो गए तो वो उतने ही अच्छे हो गए, मतलब i3 ले रहे हो उसके बाद i5 आया तो i5 ही अच्छा होगा। तो i5 में इन लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो आपका जो प्रोसेसर है उसकी जो ट्रांजिस्टर है वो छोटे कर देते हैं, मतलब कैबिनेट है तो कैबिनेट और छोटा कर देते हैं, और छोटा कर करके वो उसको जो प्रोसेसर है वो फास्ट हो जाता है और वो साइज छोटा हो जाता है। तो अब जितने i7 देख लो आजकल वो स्लिम आ रहे हैं, तो यही कारण है बस कि i7 और उसके बाद में उसमें जनरेशन आ रहे। तो जनरेशन क्या होते हैं बेसिकली, जनरेशन मतलब अगर i3 अभी आया फोन जनरेशन, तो उसका फिफ्थ जनरेशन रहेगा तो वो फोर्थ जनरेशन में इवॉल्व हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ अगर जैसे कि आपका मल्टीटास्किंग है तो उसमें कुछ इवॉल्व करके तो उसकी जो स्मूथनेस है वो और अच्छी होगी आपको। अगर देखने में जितने जनरेशन आगे हो गए उतने ही आपको जनरेशन आगे मतलब अच्छे मिलेंगे। उसके बाद में मेमोरी कार्ड, जो मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी आपको डेस्कटॉप की इस तरह मिल जाएगी, और अगर आप लैपटॉप यूजर है तो उसकी मतलब स्लिम होती है, बाकी हार्डी जैसी रहती है मतलब स्लिम हो जाती है। तो ये आप रोम बोलते हैं उसको, रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये आपको जैसे कि इसके अंदर मेन मेमोरी जैसे कि आपको बड़े बड़े फाइल्स आपके आपके स्टोर करने हैं तो वो इसके लिए काम आता है मेन मेमोरी। अभी तो बहुत सारे आ गए, HHD आ गए, SSD आ गए, M.2 आ गए, मतलब बड़े बड़े ये सब चीज़ जो इवॉल्व होते जा रहे हैं वो कंप्यूटर को और फास्ट करते जा रहे हैं। तो अगर भैया आपको AMD की बात करो तो AMD में यहाँ पे सब लो कॉस्ट में थोड़ा मतलब मिल जाता है यहाँ पे। अगर गेमिंग के लिए आप ले रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है AMD, मतलब गेमिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, ये सब चीज के लिए AMD बेस्ट है, और वो आपको कम सस्ते प्राइस में मिलेगा। ओवरऑल बात करूँ तो अगर मैं आपको यहाँ पे 20,000 का आपका बजट है, 20,000 के बजट में अगर नीचे होगा तो आप AMD ही बेस्ट है, और ऊपर अगर जाता है आपके बजट जैसे कि 50,000-60,000 रुपये इतना भी कर सकते हो, तो आपको अगर हार्ड यूजर हो तो आपके लिए इंटेल बेस्ट है। अगर इंटेल में अगर बजट बढ़ा दो तो इंटेल आपके लिए लेना बहुत अच्छा है। और इसके अभी तो बहुत सारे जनरेशन आ गए, तो आपको आई होप समझ में आया होगा मैं क्या कहता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता वीडियो को। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है या फिर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतने ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही।